नमस्कार। भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार और बिहार की राजनीति को अगर बेहतर तरीके से देखा जाए तो ये बात साफ समझ में आती है कि बिहार ने इस देश की राजनीति को कहीं ना कहीं प्रभावित किया है, और ये प्रभाव कहीं ना कहीं इस बात की तरफ भी इशारा करता है कि बिहार से जो शुरुआत हुई है उसने एक इंडिया गठबंधन को जन्म दिया है। इसके बाद से कई चर्चाएं शुरू हो गई हैं। एक तरफ चर्चा ये है कि क्या इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार टिकेंगे, इसके साथ साथ एक चर्चा ये भी है कि क्या नीतीश कुमार इस बार अगर बाहर निकलने की कोशिश करेंगे तो लालू प्रसाद चुप रहेंगे। इन सारी चर्चाओं के बीच एक चर्चा जो गंभीरता के साथ चल रही है वो है नीतीश कुमार का दिल्ली जाना, अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि देना, वापस आना, और उसके बाद तेजस्वी यादव का जाना, गडकरी जी से मुलाकात करना। ये सारी कहानी कहीं ना कहीं इशारा कर रही है कि बिहार इस बार मेन स्ट्रीम में है और राजनीति को प्रभावित कर रहा है। 2024 के चुनाव से पहले इस तरह की मुलाकातों पर राजनीति भी होना लाजमी है। इन्हीं सब विषयों को लेकर के हम अपने संपादक नवन मिश्रा जी से बात करेंगे। उनके पास जो इनपुट है उसे जानना चाहेंगे कि आखिर इन मुलाकातों के क्या मायने हैं। नवन जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप एक बड़ी जो सर्वे है उसमें लगे हुए हैं। अभी जो आपके पास जानकारी है जिसके आधार पर हम अभी खबर करने जा रहे हैं कि आखिर तेजस्वी यादव और गडकरी के मुलाकात को किस तरह से देखा जा रहा है, उसके क्या मायने हो सकते हैं? देखिए, वह गडकरी और तेजस्वी यादव की जो मुलाकात हुई है ये निश्चित तौर पर जो चुनावी एजेंडे हैं जी, राजद के मैनिफेस्टो में जो है, सरकार के मैनिफेस्टो में जो है, जो कुछ काम रह गया है, क्योंकि 24 और 25 दोनों का चुनाव है जी, 25 के चुनाव में सीधे तौर पर तेजस्वी यादव समझ रहे हैं कि वो काफी पिछड़ गए हैं जी, इसलिए कहीं ना कहीं वो अपनी तरफ से कंपनसेट करने में लगे हुए हैं। एक और बात जान लीजिए बाबा, तेजस्वी यादव ये बात जानते हैं कि कभी भी उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, परिस्थितियां कभी भी इससे बहुत प्रतिकूल हो सकती हैं जी। ऐसे में निश्चित तौर पर तेजस्वी यादव चाहेंगे कि वो जो काम है वो जल्दी निपटा लें जी। युवाओं को ये बात समझ में आ जाए कि रोजगार तेजस्वी यादव ने देने की कोशिश की, दिया भी जी। जो विकास के विकासोन्मुख कार्य थे सरकार उसमें हेल्प कर रही थी तेजस्वी के आने के बाद से जी। खुद इनिशिएटिव लेकर, चूंकि देखिए ये परिस्थिति पूरी तरीके से विपरीत हो सकती थी। आज आप जानते हैं कि राजद की भद पिट रही है सरकार में रहने के बावजूद जी, जी। हर मामले में राजद को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है जी। नीतीश कुमार बुलडोज करते नजर आते हैं कभी कभी राजद को जी, राजद के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, मंत्रियों को, तेजस्वी यादव को खुद जी। ऐसे में ये परिस्थिति बिल्कुल यहां से उल्टी हो सकती थी जी। नीतीश जिस अवस्था में है मानसिक, शारीरिक और राजनीतिक, उसे आसानी से किसी भी बड़े नेता का अंत कहा जा सकता है जी, अंतिम समय कहा जा सकता है, अंतिम क्षण कहा जा सकता है जी। और ऐसी स्थिति में आपको पता है कि तेजस्वी जिस तरीके की उनकी ताकत है वोट बैंक का, जैसा राजद का रहा है चाल चलन राजनीति में जी, उस आधार पर तेजस्वी कहीं आगे है नीतीश कुमार से जी। और चूंकि नीतीश कुमार को तेजस्वी सहारा दे रहे हैं तो सहारा देकर ब्लैकमेल किया जा सकता था जी, लेकिन राजनीतिक संस्कार या मजबूरी या जो भी काम कहिए, तेजस्वी यादव की चुप्पी नीतीश के पक्ष में चली आती है। नमन जी, क्या इन 5-6 सालों में जो तेजस्वी यादव ने अपना क्लास किया है, जो राजनीतिक क्लास जो किया है, उस क्लास में वो परंगत होते जा रहे हैं और इसी का कारण है कि वो भारतीय जनता पार्टी वाला स्ट्रेटजी अपना करके नीतीश कुमार के साथ सटे हुए हैं, सब कुछ बर्दाश्त करके? निश्चित तौर पर भाजपा से वो सीखे हैं जी, लेकिन एक बात उन्हें जानना होगा कि भाजपा कितना भी नीतीश के समान झुक गई है जी, अंततः नीतीश कुमार ने भाजपा को टूटने पर मजबूर किया है जी। भाजपा को नीतीश कुमार ने हमेशा ऐसी परिस्थिति में ला दिया है जहां से भाजपा कुछ नहीं कर पाई है जी। 14 हो, फिर 17 में तेजस्वी यादव के साथ हो, या 22 में फिर भाजपा के साथ हो जी। ये परिस्थिति मैं वही बता रहा था कि बिल्कुल विपरीत हो सकती थी। तेजस्वी यादव सरकार के अघोषित मुख्यमंत्री हो सकते थे जी, वो नीतीश कुमार के राजनीतिक जो उनके स्वास्थ्य कारण है उनका फायदा उठा सकते थे जी, और वो अपने फैसले मनवा सकते थे उनसे। इतनी दबाव में नीतीश कुमार हैं, भाजपा उनको साथ लेने के तैयार नहीं है, दूसरा कोई रास्ता उनको नजर नहीं आ रहा है, फिर भी तेजस्वी यादव सबमिसिव क्यों है इतने?
नमन जी, दरअसल इसका कारण है। नमन जी एक बात और बड़ी महत्वपूर्ण होती है, आप ही की बातों से उठ करके आई है कि नीतीश कुमार खुद तो मुलाकात करते हैं, खुद भारतीय जनता पार्टी से रिश्ता रखते हैं, लेकिन कोई दूसरा रखता है तो उन्हें काफी बुरा लगता है और इस पर रिएक्ट भी करते हैं। जैसे सुनील सिंह वाला मामला था, आपने देखा किस तरह से उन्होंने रिएक्ट किया, हालांकि पब्लिक डोमेन में नहीं है, लेकिन उड़ती उड़ती खबरें जो आई हैं वो साफ बता रही हैं कि एक तरफ जहां सुनील पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं है बाबा, पब्लिक डोमेन में तो है ही जी। उनके कहने के बाद डॉक्टर सुनील जो उनके प्रवक्ता है आकर एजेंट तक कह देते हैं भाजपा का सुनील सिंह को जी, आलोक मेहता को कितना बेइज्जत किया गया, चंद्रशेखर को कितना बेइज्जत किया गया, अशोक चौधरी ने सुनील सिंह पर क्या कहा, सुनील सिंह को भरी सभा में नीतीश कुमार ने विजित किया था जी। अब कैसे कहेंगे, इसमें छुपा हुआ कहाँ है, ये तो सर विदित है जी। लेकिन मैं एक बात कह रहा था कि इसमें तेजस्वी की मजबूरी क्या है जी, इतना अपमान, इतना सबमिसिवनेस क्यों होती है तेजस्वी यादव की तरफ से जी। दरअसल दो कारण है इसके, एक तेजस्वी को लगता है कि कभी भी उनके लिए और राजनीतिक तौर पर बुरा समय आ सकता है जी, दूसरा वो जानते हैं कि नीतीश कुमार को साथ रखने से जी भाजपा बहुत कमजोर हो जाती है जी, भाजपा को फिर वो सहारा नहीं मिल पाता है बिहार में अपने दम पर सरकार बनाने का जी, 15 वाली परिस्थिति आती है याद जी। तो एक ये माहौल है जिसको तेजस्वी चाहते नहीं कि वो पुनः भाजपा के हाथ में जाने दे, जी ये एक बड़ा खेल है। अब समझ लीजिए, अब तो फिर तेजस्वी यादव क्या कर रहे हैं, एक नॉर्मल मुलाकात है, इसे हम राजनीतिक मुलाकात क्यों कह रहे हैं जी, इसका कारण है, इसका कारण ये है कि जब सुनील सिंह मुलाकात करते हैं तो उन पर 100 उंगलियां उठती हैं, जबकि उनके पास सबसे वाजिब कारण है जी, ये जान लीजिए कि सब इन सभी में सबसे वाजिब कारण किसी भी मुख्यमंत्री चाहे भाजपा का हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से या अमित शाह से जी मिलने का वाजिब कारण सबसे अगर बढ़िया किसी के पास है जी तो वो सुनील सिंह के पास है जी जी लेकिन फिर भी उन पर उंगलियां उठती हैं पूरी जी वो भाजपा के एजेंट है, वो फलाना है, ढिमकाना है, जी ये बात तेजस्वी पर नहीं कही जा सकती है जी। नीतीश कुमार कुछ भी कह सकते हैं तेजस्वी यादव को, भ्रष्टाचारी है, परिपक्व है, मेरे भाई समान मित्र का पुत्र नहीं होता तो इसकी क्या हालत कर देता जी लेकिन एक बात नहीं कह सकते हैं कि वो भाजपा से मिले हुए हैं जी जी ये आरोप नीतीश पर लगता है जी आज भी सिंगल विंडो रोशनदान खोल कर रखे हुए हैं हरिवंश के माध्यम से कि भाजपा से नेगोशिएट कर सकें ये काम नीतीश का है और अगर इस काम में थोड़ा भी इंटरेस्ट राजद लेती है तो नीतीश कुमार और उनके आसपास के लोग उन पर टूट पड़ते हैं लेकिन यही तो चुनौती है अब तेजस्वी पर टूटिए ना जी तेजस्वी यादव को बोलिए ऊंच नीच बोलिए और देख लीजिए क्या होती है परिस्थितियां बराबर जवाब मिलेगा करारा जवाब मिलेगा जी नीतीश कुमार अगर ट्रांसफर पोस्टिंग रद्द कर देते हैं तो माफ है जी लेकिन अगर कोई और ऊंच नीच करे अशोक चौधरी कुछ बोल के देखे जी उनको उनकी राजनीतिक हैसियत याद दिला दी जाएगी राजद के द्वारा जी जी चुनाव में आपको क्या लगता है कि जो जो ये आलोक मेहता के साथ हो रहा है चंद्रशेखर के साथ हो रहा है जो सुधांशु के साथ माफ कीजिएगा उनके जगदल के पुत्र के साथ जो हुआ सुधाकर सिंह के साथ हाँ कार्तिक मास्टर के साथ जो हुआ इसका बदला नहीं लेगी क्या राजद के वोटर्स लिया जाएगा राजद के वोटर्स इसका बदला लेंगे और जान लीजिए नमन जी मेरा अंतिम प्रश्न होगा और हम ये जानना चाहेंगे कि क्या तेजस्वी यादव और नितिन गडकरी के मुलाकात को राजनीतिक चश्मे से देखा जाए या फिर इस मुलाकात के बाद नीतीश कुमार कोई नया रिएक्शन करेंगे जैसा करते आ रहे हैं बाबा अब देखिएगा सर की बारिश से पहले या बारिश के बाद जी आसमान में एक ड्रैगन फ्लाई अंग्रेजी में कहते हैं उसको जी उड़ने लगता है दो दो सेट का उसका पंख होता है दोनों साइड जी वो बारिश के समय ही निकलता है जी जी बरसात में ही मेढक टटर करते हैं जी दो राजनीति के एक कुर्सी पर बैठकर बातचीत कर रहे हैं जी तो ये तो तय है कि वो एक दूसरे की रुचि और रुचि का बात तो नहीं कर रहे होंगे जी खाने में क्या खाना पसंद है आपको गुण कितने हैं आप में बिजनेस की बात तो नहीं हो रही होगी निश्चित तौर पर वहां राजनीतिक बातें हुई होंगी लेकिन वो राजनीतिक बातें बिहार के संदर्भ में हैं जी जी आप अच्छे जानते हैं कि नितिन गडकरी से सभी लोग मुलाकात करते हैं क्यों क्योंकि इस समय नितिन गडकरी ने एकदम कुबेर की तरह झोली खाली खुला कर दिया है जी जिसको जहां मेरे से काम करवाना है वो आए और पार्टियों की बंदिश छोड़कर मुझसे काम कराए जी जी तो तेजस्वी यादव भी उस बैठक में मतलब हाथ धो रहे हैं लेकिन तेजस्वी मैं बार बार कह रहा हूँ कि एक लाठी से दो सांप मार रहे हैं जी
एक तरफ उनको और गडकरी को साथ देकर नीतीश कुमार को कैसा लगा होगा ये अंदाजा लगाइए आप। जी वहीं दूसरी तरफ बिहार के बचे हुए कार्यों को करा कर तेजस्वी यादव ये कहेंगे चुनाव में ना कि मैं घूम घूम कर करा रहा था। जी 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 जिस वक्त नीतीश कुमार केंद्र की योजनाओं को धराशायी करके वापस भेज रहे थे, मैं जी यथार्थवादी बनकर उन कार्यक्रमों को जमीन पर उतारने की अनुनय विनय कर रहा था भाजपा से। जी 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 और एक बात जान लीजिए, ये करारा जवाब है नीतीश कुमार को राज्य की तरफ से कि जी आप हरिवंश या अगर दाएं बाएं कीजिएगा तो हम भी कर सकते हैं, हमारी भी पहुंच है। जी 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 और सुनील सिंह इसी रास्ते पर चल रहे हैं, आपको अच्छे से पता है बाबा। जी जी आपने सुनील सिंह को ये नहीं कहा गया है मारना नहीं है, जी करंट देना है। सुनील सिंह करंट देते हैं, मारते नहीं है। और जी भाजपा नेता से मिलकर कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ने बिहार के विकास की जो बची कुची बातें थी उनका डील फाइनल कर दिया है। मेट्रो को लेकर बात हुई है, मेट्रो प्रोजेक्ट्स के आसपास जो सड़कें हैं उनको लेकर बात हुई है, जो जी एलिवेटेड कॉरिडोर हैं दो तीन उनकी उनको लेकर बात हुई है, रिंग रोड को लेकर बात हुई है। जी और आपको पता है कि गंगा सेतु जो है उसके समानांतर में जो भारतमाला परियोजना है जिसके तहत नेपाल तक जाएगा रास्ता, जी जी जिसको लेकर कुछ अड़ंगे आए हैं, कुछ जमीन अधिग्रहण का समस्या हुआ है, जी उसको लेकर भी बातचीत होगी। मुझे लगता है दरभंगा वाले मैटर में भी कुछ जरूर अनुनय विनय करेंगे ये, क्योंकि आपको पता है केंद्रीय मंत्री हैं बिल्कुल बिल्कुल मांडवीय जो हैं, बिल्कुल बिल्कुल उनके बहुत करीबी हैं गडकरी, तो जी 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 मांडवीय और उनके बीच में भी कहीं ना कहीं तेजस्वी के बीच में भी पैचअप का काम गडकरी कर सकते हैं। जी जी अंततः विकास होना चाहिए, कार्य होने चाहिए, राजनीति और सत्ता और मकान का चाबी सभी चाहता है कि मेरे पास रहता। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद नमन जी। जैसा कि आपने बताया कि लगातार जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं, एक तरफ जहां नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के संबंधों की चर्चा होती है, वहीं जब दिल्ली में कोई भी नेता इस गठबंधन का जाता है तो नई चर्चाएं शुरू हो जाती हैं, उन्हीं चर्चाओं में से एक है। लेकिन पिछले करीब 7 सालों से जिस तरह से तेजस्वी यादव ने अपनी राजनीतिक समझ का परिचय दिया है, ऐसा लगता है कि आने वाले समय में भी तेजस्वी यादव इन मुलाकातों का फायदा बिहार को दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।